हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फिर से काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे ताऊजी ख़त्म हो गए थे, इस कारण मैं वीडियो बना नहीं पाया था बीच में। और ये लक्की मार दिया करे स्कूल स्कूल जा रहे हैं। पीछे बुलेट बैग दिखा अपना। गुड, चल चल चल। चेतना कहाँ है? चेतना चेतना दीदी दीदी कहाँ है? बाय। इतना बोझ हो रहा है लिली। ले आजा छोटू, आजा 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 आजा। चल आ रहा, कब आ रहे सुजल? आराम से खा, आराम से खा। हम आराम भाई, रोटी वोटी कुछ नहीं लाया मैं आज। मत करो मत करो मत करो भैया, नहीं है नहीं है नहीं है, कुछ नहीं है आज। अरे रोटी बची नहीं, सारी मैंने खा दी, क्या लाऊं तेरे लिए। चल अभी दोस्तों, आज काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। मैंने बताया आपको ताऊ जी ख़त्म हो गए थे, और उस वजह से भी, और फिर बीच में जुताई का काम भी नहीं हुआ, और न कहीं इधर उधर जाने का काम भी नहीं था मेरा, और मैं जा भी नहीं पाया कहीं, इसी कारण से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। आज देखता हूँ, क्योंकि लंबा समय हो गया है यूट्यूब में वीडियो अपलोड न करे हुए, तो मैंने सोचा आज एक ब्लॉग बना लेता हूँ। घर से स्टार्ट कर दिया मैंने ब्लॉग का, और मैं निकल चुका हूँ दुकान की तरफ। मेरे साथ है मेरे पीछे बॉबी, और अन्य बच्चे भी पीछे आएंगे। देख सकते हैं काफ़ी ठंडा हो चुका है दोस्तों, पहाड़ों में इतना ठंडा लग रहा है कि जैकेट निकाल चुके हैं हम लोग, और कुछ दिनों में सर में टोपी दिखेगी आपको, क्योंकि ठंड काफ़ी है, क्योंकि धूप आती नहीं है। मैंने बताया था पहले भी आपको कि 10-11 बजे से पहले हमारे यहाँ धूप नहीं निकलती है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस साइड को धूप है दोस्तों, क्योंकि ये धूप हमारे गांव पहुँचने तक 10-10:30 का टाइम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ही धूप पहुँचती है हमारे गाँव में। ये था दोस्तों सुजल, अब ये भी स्कूल के लिए तैयार होके आ गया है हमारे पीछे पीछे। ये देख सकते हैं गांव पे अब काम जोरों शोरों से होगा दोस्तों, एक तरफ से खेत जुताई का काम, और दूसरी तरफ से ये मांग कटाई का काम। ये घास काटना स्टार्ट कर लिया दोस्तों, ये देख सकते हैं आप ये, और ये क्योंकि गांव की ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है दोस्तों, क्योंकि एक के बाद एक काम का सीजन आते रहता है। आप लोग देख सकते हैं नीचे, क्योंकि लगातार 3-4 दिन बारिश के बाद जब मौसम खुला दोस्तों अच्छी तरह से, तो चारों ओर धूप है, और साथ में मांग कटाई का काम जोरों शोरों से चल रहा है अभी हमारे गांव में। तो अगर हम बरसात में ही मांग काटना स्टार्ट कर लेते, तो ये जो हमारा गज्जो बोलते हैं दोस्तों, इसे सुखाने के बाद ये हमारा सड़ जाता, और नो किसी काम का नहीं रहता, वो गाय भैंसों को खिलाने लायक भी नहीं रहता, वो कि काला पड़ जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको आज का मौसम, आप देख सकते हैं मेरे गांव से आगे का व्यू, खिलखिलाती हुई धूप, और आसमान में एक बादल का टुकड़ा नज़र नहीं आएगा दोस्तों आज आपको।
चारों ओर कहीं भी देखें। ये मेरे गांव से पीछे का व्यू है, ये उस एरिया में भी कोई बादल नहीं है दोस्तों अभी भी। और ये जो धूप मेरे गांव तक पहुंचेगी करीब अभी भी एक या दो घंटा अभी लगेगा। अभी समय हो रहा है 8, और धीरे धीरे जब ठंडा बढ़ती जाएगा और धूप भी उतनी लेट होती जाएगी। ये देख सकते हैं ऊपर चाँद दिख रहा है दोस्तों, कि 2 दिन पहले कड़वा चौथ था, कि कड़वा चौथ का वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि ताऊजी ख़त्म हुए थे हमारे, मैंने बताया इससे पहले आपको, इसी कारणवश मैंने कड़वा चौथ का वीडियो नहीं बनाया और ना ही कोई इधर उधर कहीं ट्रेवल का बनाया मैंने। काफ़ी लंबा समय हो गया था इसलिए मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। दिखाता हूँ मैं आज के दिन में क्या क्या होता है मेरे साथ, क्योंकि लगातार एक ही जगह का एक ही रास्ते का वीडियो अच्छा नहीं लगता दोस्तों, खुद मेरे को अच्छा नहीं लगता है, आपको तो क्या अच्छा लगेगा। इस बीच मेरा एक वीडियो और पहले बना था जो उसमें एक लड़का गिर गया था और अचानक से मैं वीडियो बना ही रहा था, अचानक गिर गया था, ऐसा लगा कि जैसे मैंने बोला हो उसको कि गिर जा भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देख सकते हैं रास्ता काफ़ी क्लीन है आजकल और बिल्कुल फिसलन का नाम नहीं है दोस्तों। जी आते हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बुबू जी छुप चुके हैं। ये देखिए दोस्तों अमरूद देख रहे हैं, यही नहीं अमरूद, यहाँ पे तो अमरूद ही नहीं है। अभी समय हो गया है शाम का 7:45 और दिन भर कोई काम नहीं कर पाया दोस्तों मैं। ये देख सकते हैं आप घर की तैयारी हो चुकी है और मैंने जब सुबह आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग करी थी तो मैं सोच रहा था दिन भर कुछ काम करूंगा, आगे भी एक डिश फिट करने जाना था मुझे, लाइट ना होने की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाया। आज दिन भर लाइट नहीं थी हमारे इस लुमटी एरिया पर और अभी जो है लाइट 6 बजे के आसपास आई है, आप समय देख सकते हैं आप लगभग 7:45 का समय हो रहा है, अभी 8 बजने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बता दीजिएगा, काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, उतनी लंबी वीडियो नहीं बनी है। और मेरे वीडियो पे जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरे वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों मैं एक फ़ोन लेने की सोच रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा फ़ोन लूँ मैं, क्योंकि हमारे एरिया में जो है नेट की बहुत समस्या है, इसलिए मैं अभी बहुत ही असमंजस में हूँ कि मतलब कौन सा फ़ोन लूँ, वीवो लूँ, आईफोन लूँ या वन प्लस लूँ या सैमसंग लूँ, क्या लूँ, अभी मैं काफ़ी कन्फ्यूजन में हूँ अभी।
तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा फ़ोन मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस दीपावली ऑफर में मैं अपने लिए फ़ोन परचेज करने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो में भी दिखाया था मैंने आपको कि एक फ़ोन मैं इस दीपावली ऑफर पर लेने वाला हूँ, लेकिन सोच नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा फ़ोन लूँ। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये वाला फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं आपके कमेंट के इंतज़ार में रहूँगा, और वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो पर, हो सकता है मेरा अगला वीडियो किसी नए फ़ोन से आए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।